नमस्ते। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे पाव भाजी और मसाला पाव। पाव भाजी तो हम हमेशा बनाते ही हैं, लेकिन उसके साथ में हम मसाला पाव कैसे बनाएंगे ये आज की रेसिपी में हम देखेंगे। तो चलिए इंग्रेडिएंट देख लेते हैं हम। अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि आप हमारे से जुड़े रहे। तो चलिए, ये हमने पत्ता गोभी ली है, हमने कट कर लिए इसे। ये आधी कटोरी लेना है पत्ता गोभी की। क्वांटिटी सब सब्जियों से कम होना चाहिए, तो हमने यहाँ आधी कटोरी ली है। एक बड़ी शिमला मिर्च बड़े कपों में हमने कट कर ली है। उसके बाद ये फूल गोभी ली है हमने, ये दो कटोरी है, बड़े बड़े कप्पे कर लिए है। ये ग्रीन पीस है, हरे मटर, ये हमने एक कटोरी के करीब ले लिए हैं। आप कम भी कर सकते हैं इसे, आधा से एक कटोरी के बीच में हमें ये मटर लेना है। एक बीटरूट लिया है हमने, इसका यूज हम अभी नहीं करेंगे, इसका सब में लास्ट में यूज करना है हमें। और यहाँ हमने आलू लिए हैं, यहाँ 5-6 आलू लेना है हमें। ये कच्चे आलू है जिनके हमने छिलके निकाल लिए हैं। हमें ये सब्जियां कुकर में उबालना है, तो हम पहले सब सब्जी मिक्स कर लेंगे। हमने अभी इसमें पानी डाल दिया है, ये पानी में पूरी तरह अच्छे से भीग जाए इतना पानी डालना है। अब हम जो कच्चे आलू लिए थे हमने, वो हमने छिलके उतार लिए हैं। अब इसके पीस करके हम इसमें ही उबालेंगे, अलग से हमें आलू नहीं उबालना है। देखिए इस टाइप में हम बड़े बड़े पीसेस इसमें करके, पूरे पीसेस हमने जो आलू लिए उसके कर लेंगे। और ये कुकर में एक सीटी ले लेंगे इसकी। ये हमने जो बीट लिया है इसे हमें नहीं उबालना है, इसका यूज हम बाद में करेंगे, हमें बस इतनी ही सब्जियां उबालना है। भाजी बनाने के लिए हमें जो मसाले लगेंगे वो हम देखेंगे। ये यहाँ हमने 15-16 लहसुन की कली ली है, थोड़ा सा अदरक का पीस लिया है, और जो हमने बीट लिया था ये हमें कच्चा बीट 3-4 ही स्लाइस लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। और एक टमाटर, हम इनका पेस्ट बना लेंगे। हम पेस्ट बनाने के बाद में ये हमने, और उसके अलावा दो टमाटर के हमने यहाँ बारीक पीस कर लिए हैं। ये प्याज के हमने बड़े बड़े पीसेस किए हैं, 3 प्याज लिए हमने यहाँ बड़े। थोड़ा कड़ी पत्ता, लाल मिर्च छोटे 4 चम्मच, हल्दी 2 छोटे चम्मच, राई जीरा 1/4 चम्मच, यहाँ घर का गरम मसाला लेना है हमें 1 छोटा चम्मच, पाव भाजी मसाला 3-4 चम्मच छोटे, नमक 3 चम्मच लिया है हमने, स्वाद अनुसार आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ 1/2 छोटा चम्मच हमने शक्कर लिए, तेल 1 कटोरी। यहाँ हमने जो सब्जियाँ बॉईल करी थी वो हो गई है, हमने 1 सीटी कुकर में ले लिए इसकी, और पूरा पानी निकाल लिया है। अब हम इसे मैश कर लेंगे। इस तरह से हम इसे पूरी सब्जी मैश करके रेडी रख लेंगे। इस तरह हमने पूरी भाजी मैश कर ली है। अब भाजी फ्राई करने के लिए पैन गरम करने रखेंगे। पैन हमने गरम होने के लिए रख दी है, पैन गरम हो रही है। तब तक के हमने जो ये प्याज लिए थे जिसके हमने बड़े बड़े पीसेस करे थे, इसको हम मिक्सी में हल्का सा क्रश करेंगे। पैन गरम हो गई है, हमने जो 1 कटोरी तेल लिया था वो हम इसमें डाल देंगे। तेल भी अच्छे से कड़क गरम होने देंगे हम इसे। अब हम इसमें राई जीरा डाल दिए। ये राई जीरा होने के बाद हमने जो प्याज क्रश किया है ये डालेंगे इसमें, कड़ी पत्ता। अब ये हमने जो टमाटर के बारीक पीसेस किए थे ये भी इसमें डाल देंगे। अभी इसे हमें 3-4 मिनट तक के अच्छे होने देना है, ताकि ये टमाटर जो हमने कट करे हुए डाले हैं ये थोड़े नरम हो जाए। ये 4-5 मिनट हमें हो गए, जैसे आप यहाँ देखेंगे कि टमाटर एकदम नरम हो गए हैं। अब हमने जो पेस्ट बनाया था, बीट लहसुन टमाटर और अदरक का, ये अब हम इसमें डालेंगे। और इसे भी लगभग 3-4 मिनट
अच्छे से होने देंगे। इसमें तेल छूटने लग गया है, यानी इसका मतलब हमारा जो ग्रेवी है वो अच्छे से हो गई है। अब हम इसके अंदर एक एक मसाले मिलाते जाएंगे। पहले हम ये मिर्च डाल रहे हैं, हल्दी, गरम मसाला, पाव भाजी मसाला और ये शक्कर। नमक हम बाद में मिलाएंगे और इसे फिर से हम 2 मिनट होने देंगे अच्छे से, और तेल छूटेगा थोड़ा, उसके बाद हम इसमें आगे की प्रोसीजर करेंगे। इसमें पानी डाल देंगे, पानी हम लगभग 1 से 1.5 गिलास डालेंगे। अभी अब हम इसमें जो मैश करी हुई सब्जी है वो मिलाएंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1-2 उबाल आने देंगे। अगर ये गाढ़ी लग रही है तो इसमें और थोड़ा पानी डाल देंगे, यहाँ थोड़ी गाढ़ी लग रही है हमें तो हम इसमें और पानी डाल लेंगे 1/2 गिलास। भाजी में अच्छे से उबाल आ गए, अब हम इसमें नमक मिला के अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट उबाल और आने देंगे और गैस बंद करेंगे। हमने तवा गरम करने रख दिया है, अब हम जो पाव की लादी है हमारी इसके ऐसे जॉइंट वाले 2 पीस करेंगे और इसको बीच में से कट करेंगे। कट हमें पूरा नहीं करना है, इस तरह से कट करना है। तवा अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें थोड़ा बटर डालेंगे, ये हमने इससे बटर डाला है। अब जो पाव हमने कट किया था ये बटर के ऊपर अच्छे से ऐसे लेके इस तरह से इसे सेक लेंगे। अंदर से सेकने के बाद हम इसे और ऐसा सीधा करके और बटर डालेंगे और दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। इस तरह से ये सादा पाव हमने सेक लिया है। अब इसके बाद हम मसाला पाव किस तरह से बनाएंगे ये देखेंगे। मसाला पाव बनाने के लिए हमें बारीक कट करे हुए प्याज, बारीक कट करे हुए टमाटर, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, पाव भाजी मसाला, नमक, थोड़ा तेल और पाव भाजी जो हमने बनाई है वो भाजी हमें लगेगी। तो सब में पहले हम तवा गरम करके उस पर 2 चम्मच तेल डालेंगे, 2 से 2.5 चम्मच। अब बारीक कट किया हुआ प्याज, थोड़ा सा टमाटर कट करे हुए, सब बिल्कुल थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी हमें लेना है, बिल्कुल हल्की सी मिर्च लेना है, सब चीज़ें हमें बिल्कुल थोड़ी थोड़ी ही लेना है, 1/4 चम्मच से भी कम। ये हम सब सामग्री हमने जो बताई थी वो हम डाल रहे हैं इसमें। अब सब में बाद में हम इसमें जो भाजी बनाई है ये 2 से 3 चम्मच भाजी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने सब चीज़ें इसमें डाल दी है, आप मिर्ची मसाले की क्वांटिटी कम ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। ये मसाला पाव चटपटा ही अच्छा लगता है। इस तरह हमने ये जो कट किया हुआ पाव इस पे इस तरह से डाल दिया है ताकि सब सब्जियां इसमें मिक्स हो जाए। इसे बहुत ही सावधानी से इस तरह उठाना पड़ता है ताकि अंदर की भाजी इसमें से निकले नहीं। इस तरह से मसाला अच्छे से सब तरफ फैल चुका है, अब इसे हम दोनों साइड से सेकेंगे, इस तरह से पलटा लेंगे। ये तैयार है हमारा मसाला पाव। अब हम इसमें थोड़ा हरा धनिया डालेंगे, थोड़ा बटर। ये तैयार है हमारे मसालेदार पाव भाजी और मसाला पाव। ये इस तरह से ये मसाला पाव रेडी है और ये पाव भाजी। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।